एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशन ऑफ 2024 एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम। हम सभी को पता है कि अभी 14th ऑफ जैन को एमपी का प्री एग्जामिनेशन है। हरियाणा की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है जिसका प्री मार्च फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आगे आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान और यूपी की वैकेंसी भी आ सकती है। हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो मेजरली इसी पॉइंट पर फोकस करेगा कि हम इन स्टेट्स के लिए तैयारी कैसे करें। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हरियाणा की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, यूपी और राजस्थान की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है अगले कुछ समय में। यहां से इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आगे बढ़ूं इसके पहले एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आपको अगर अपनी हरियाणा की प्रिपरेशन करनी है तो आप जुडिशरी गोल्ड के हरियाणा स्टेट का जो स्पेसिफिक क्रैश कोर्स है उसका पार्ट बन सकते हैं। इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, मेंटरशिप सेशंस होंगे, डीसीएस यानी कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और आप इस बैच से अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जुडिशरी गोल्ड के इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन को हम दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये पोर्शन कि जनरली हमको हमारी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और दूसरी बात किसी स्टेट स्पेसिफिक को, यानी कि अगर आपको हरियाणा को या राजस्थान को या यूपी को टारगेट करना है तो आपको क्या करना है। पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि हमको जनरली जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। याद रखना ये जनरल बातें हैं, जो आप किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो आपको इन बातों को फॉलो करना है। फिर कुछ टिप्स मैं आपको स्पेसिफिक स्टेट के बारे में भी बिल्कुल दूंगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमको जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमको बहुत ज्यादा लंबी सिटिंग एक बार में नहीं करनी। हम एक बार में 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बैठ के ऐसा नहीं करना। बहुत छोटी सी बात है कि हर 50 से 60 मिनट के बीच में हमको हमारा माइंड थोड़ा सा थक जाता है तो इसको 10 मिनट का रिलैक्स दे दीजिए। तो करना ये है कि 50 मिनट की हम पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक बहुत लंबा भी ना हो, 10 मिनट मैक्सिमम। इसमें सजेशन ये है कि आप रिवीजन ना करें। रिवीजन भी एक तरह की पढ़ाई ही हो गई। कई लोग ये करते हैं कि 1 घंटे पढ़ाई करी फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, उस 10 मिनट में आप रिवीजन कर रहे हो, ये मत करिए। 50 मिनट आप पढ़िए और 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, प्रॉपर ब्रेक, जिससे कि आपके माइंड माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा और फिर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, 2-3 घंटे हो चुके हैं फिर एक बड़ा ब्रेक आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप सवेरे 8 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं, 8 से आप 12 तक हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 12 बजे आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो पहली हमारी स्ट्रेटजी जो होगी जो जनरली हमको फॉलो करनी है वो ये है कि बहुत लंबी ड्यूरेशन में हमको लगातार नहीं पढ़ना, नंबर वन। अगली बात यह है कभी भी एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन ना पढ़े तो बेहतर है। हमेशा सजेशन ये होता है कि एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट आप साथ में उठाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट अगर हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो इससे दो नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान ये कि हम उस सब्जेक्ट से बोर हो जाएंगे क्योंकि हमारा हमारे माइंड को कुछ नया नहीं मिल रहा, नंबर वन। नंबर टू, जब आप अगला सब्जेक्ट उठाओगे और उसको भी पूरा दिन ही दोगे तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप पिछला सब्जेक्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा क्योंकि अब आप केवल नए सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो और पुराने सब्जेक्ट पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीज आपके साथ हो सकती है। तो बेहतर ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि आप एक मेजर और एक माइनर साथ में लेकर चले और दिन में 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स निकाल लें जिसमें कि आप किसी पुराने सब्जेक्ट का रिविजन कर लें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपको अपने दिन को डिवाइड कर लेना है क्योंकि जब हम एग्जाम पे फोकस करते हैं तो हमको बेराइट भी पढ़नी है, हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, कुछ स्टेट्स में हमको
करेंट जो लीगल नॉलेज है, जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से जजमेंट है, हमको वो भी ध्यान देना होता है, हमको जीके भी पढ़ना होता है। तो अगर हम पूरा दिन एक ही चीज को दे देंगे तो इस बात की संभावना है कि हम कुछ पोर्शन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, मगर कुछ पोर्शन में हम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए और दिन का कुछ पोर्शन हर चीज को दीजिए। जैसे कि आपको बेरेट रीडिंग करनी है, ये एक कंपलसरी एस्पेक्ट है जिसको आप एक दिन भी अवॉइड नहीं कर सकते। और जब मैं बेरेट रीडिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब वहां पर इंडेक्स भी शामिल है। बहुत सारे लोग बेरेट की रीडिंग करते हैं मगर इंडेक्स रीड नहीं करते। आपको इंडेक्स भी रीड करना है। जो भी आप बेरेट पढ़ रहे हो, मेजर हो या माइनर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आपको क्या करना है, बेरेट का इंडेक्स पढ़ना है और फिर बेरेट रीडिंग चालू करने। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 1 घंटा निकाला कि मैं बेरेट रीडिंग करूंगा, तो पहले 10 मिनट हमेशा आप इंडेक्स रीड करिए, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर कोई भी एग्जामिनेशन की वैकेंसी आ चुकी है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप दिन में करीब 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करें ऑब्जेक्टिव। अगर वैकेंसी अभी नहीं आई है आपके टारगेटेड स्टेट की, तो आप ये कर सकते हैं कि 100 to 150 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें और बाकी पोर्शन में आप रीडिंग कर सकते हो, या जो आपका बाकी पोर्शन है उसको आप ज्यादा समय दे सकते हो। बट वैकेंसी अगर आ चुकी है तो आपको टारगेट करना है 300 to 400 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यू सब्जेक्ट। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर न्यू सब्जेक्ट जुड़े हैं जो कि पहले नहीं इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो एमपी में ही कुछ नए सब्जेक्ट फ्री में जोड़ दिए गए हैं, तो क्या करना है, उन पर भी फोकस करना है। अगर ये सब्जेक्ट आपके स्टेट के लिए नया है तो आप हमेशा ये सर्च करिए कि ये सब्जेक्ट किसी दूसरे स्टेट में आ रहे थे क्या, और वहां के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। इनके जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हो उन पर भी आप फोकस करिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर करंट लीगल नॉलेज के सवाल भी आते हैं, तो आपको उनके लिए भी अलग से टाइम निकालना है। तो ये आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि आप एक दिन में जो भी, देखिए ये आपका एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, ये वो पोर्शन है दिन के जिसको, ये वो चीजें हैं जिसको आपको डिवाइड करना है कि भाई एक पूरे दिन में मैं इन सारी चीजों को पढ़ूंगा। कितनी देर पढ़ूंगा ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। हो सकता है कि आपका लॉ बहुत स्ट्रांग हो तो आप वहां पर थोड़ा सा कम समय दे करके जीके जीएस या सीएलके में ज्यादा समय दे सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी बेरेट तो स्ट्रांग है बट जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करता हूं तो मैं गलत कर देता हूं, तो आप इस चीज को ज्यादा समय देंगे। तो डिवीजन आपका इस हिसाब से होगा, मगर कितना समय किस चीज को देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको बता दूं कि इन सब बातों का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वैकेंसी आ चुकी है या नहीं आई है या एग्जाम पास में है नहीं। आपको ये सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी बातें आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली है। आप किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस होकर के दूसरी चीजों को छोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ बेरेट रीडिंग करते रहोगे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको बेरेट तो याद हो जाए बट फिर भी एमसीक्यूज आप सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि हो सकता है कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो दे दिया जो कि रिसेंट जजमेंट पर बेस्ड था, आपको नहीं समझ में आया, आपने बेरेट रीडिंग करी थी बट सवाल आपका गलत हो गया। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने दिन को इस तरीके से डिवाइड करना है। ये एक जनरल स्ट्रेटेजी हो गई जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेट स्पेसिफिक की। जैसे हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा का जाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और अब बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे लिए, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है। तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं मैक्सिमम टाइम। अगर आप ऐसे किसी मतलब जैसे प्रैक्टिस करते हैं या कोई जॉब करते हैं और आपको ये लगता है कि भाई मैं समय अब 2 या 3 घंटे ही निकाल पा रहा हूं, तो इस समय को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा।
ऑफिस जाने के पहले या कोर्ट जाने के पहले या कोर्ट से आने के बाद आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ते हो तो यही समय 6 घंटे के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आप केवल एग्जामिनेशन पर ही फोकस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दिन को डिवाइड करिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज और बीएड सॉल्विंग करिए। हरियाणा में ऐसा भी देखा गया है कि कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक सिचुएशन आ जाती है और आपको आंसर करना होता है, ये आप कर सकते हो जब आप मैक्सिमम PYPs क्वेश्चन सॉल्व करो। इनफैक्ट आप दिल्ली के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जहां तक हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको हिंदी लैंग्वेज पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट वहां पर अब कुछ नए लॉज भी जोड़े गए हैं, अनऑर्थोडॉक्स लॉज जोड़े गए हैं, आपको उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ये नए लॉज हैं, तो जिस भी स्टेट में ये सवाल पूछे या इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं, आप उन स्टेट को देख करके और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए। मगर प्रैक्टिस तो आपको एमसीक्यूज की करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमने बीएड तो अच्छे से पढ़ी है बट हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हम बात करें यूपी की, तो यूपी में अपने आप में जीके जीएस का रोल बहुत ज्यादा होता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो ये आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। जहां तक बात राजस्थान और यूपी की, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो आप मेंस पर भी अभी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक प्री की वैकेंसी नहीं आई है तब तक आपको मेंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो चीज मेंस के लिए जरूरी होती है वो प्री के लिए भी जरूरी होती है। तो जब मैं कहता हूं कि मेंस पहले पढ़ो, इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल मेंस की तैयारी कर रहे हो। मेंस पढ़ना, जब आप पढ़ते हो तो आप प्री की भी तैयारी कर रहे होते हो। तो अभी आप ज्यादा मेंस पर फोकस करिए, कंसेप्ट पर फोकस करिए, क्वेश्चन आंसर पर फोकस करिए, और जब वैकेंसी आ जाएगी तो स्पेसिफिकली आप एमसीक्यूज में जा सकते हो। जैसा कि अभी हरियाणा के लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि अब अगर अभी तक आप मेंस पढ़ रहे थे, अब आपको स्पेसिफिकली प्री की पढ़ाई करनी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपको आगे बढ़ना है। तो ये है हमारा आज का सेशन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.